अभी हम सर से जानते हैं कि सर यहाँ खाना कैसा लग रहा है आप खा रहे हैं तो? बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब होटल में खाए होंगे, यहाँ खा रहे हैं तो होटल में इसमें क्या फर्क है? हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए तो आज हम आपको बताएंगे कि देवघर में जो है सबसे सस्ता खाना और सबसे अच्छा खाना कहाँ मिलता है। कमरिया बम के लिए और जो भी नहीं है उनके लिए भी वहाँ आपको मिलेगा। तो सबसे सस्ता खाना जो है 70 रुपया में आपको भर पेट मिलेगा। आप रोटी भी खा सकते हैं, चावल भी खा सकते हैं, जो मन है वो खा सकते हैं भर पेट 70 रुपया में। दुकान में भी आप खाएंगे तो उससे अच्छा खाना आपको घर के जैसा मिलेगा। अगर चैनल पर ना है तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देख सकते हैं ये मेरे पीछे ये वीआईपी दर्शन का है। चलिए हम आपको आगे दिखाते हैं। तो देख सकते हैं ये बाबा धाम का मंदिर है और बाबा धाम से अभी हम आपको लाइव दिखा रहे हैं और ये सभी जो है वीआईपी दर्शन का, वीआईपी दर्शन की ओर जाने का रास्ता है। चलिए यहीं से हम स्टार्ट करेंगे ताकि आपको समझ में आए कि किधर के किधर जाना है हमको। ये वीआईपी दर्शन हो गया। वीआईपी दर्शन से आप गेट से बाहर निकलेंगे तो राइट मुड़ेंगे। राइट मुड़ने के बाद आपको सीधे जाना है। चलिए हम आपको दिखाते हैं। सीधे आने के बाद देख सकते हैं ये जो है शिव गंगा की ओर जाता है ये रास्ता, और ये रास्ता जाता है जलसार पार्क की ओर। तो हमको लेफ्ट मुड़ना है। चलिए हम आपको, ये सीधे जाना है आपको, ना ही लेफ्ट और ना ही राइट मुड़ना है, सिर्फ आप सीधे चलते जाएंगे तो आप पहुंच जाएंगे। चलिए हम आपको आगे दिखाते हैं। तो इस तरह का दुकान भी आपको मिलेगा जगह जगह पर, देख सकते हैं दोनों साइड। आपको ना ही लेफ्ट और ना ही राइट मुड़ना है, आप सीधे चलिए। इस वीडियो को अगर कंटिन्यू देखेंगे तो आप समझ में आ जाएगा। और यहाँ आने के बाद जो है आपको वीआईपी दर्शन गेट से आप सीधे आएंगे लेफ्ट मुड़ के। तो यहाँ आने के बाद तीन मुंह हो जाता है, तीन मोहनी मिलेगा तो आपको किधर जाना है। और ये रास्ता अगर लेफ्ट मुड़ेंगे इधर आके तो ये टावर चौक चला जाता है। तो आपको टावर चौक की ओर नहीं जाना है, आपको राइट मुड़ना है। राइट मुड़ने के बाद जो है ये देखिए, ये जो रास्ता आपको सीधे दिख रहा है ये रास्ता अगर आप जाएंगे तो ये रास्ता जो है जलसार पार्क की ओर जाता है, जहाँ से कांवड़िया बंधुओं को जो है घुमा घुमा के लाया जाता है देवघर की ओर। और तो हमको इस रास्ते से नहीं जाना है, हमको जो है इधर फिर राइट कटना है। तो ये राइट कटेंगे तो ये देख सकते हैं, राइट जाने के बाद आपको बस सीधे जाना है और 100 मीटर की दूरी पर जो है वो मरवाड़ी धर्मशाला है। और ये देखिए सीधे आने के बाद यहाँ जो है यूको बैंक, ये एटीएम है, यहाँ पे आप आ जाएंगे तो आपको बस सिर्फ यहाँ से लेफ्ट में देखिए मिल जाएगा आपको। इधर मरवाड़ी कांवड़ संघ लिखा हुआ है तो ये धर्मशाला है, यहाँ कांवड़िया के लिए अच्छा फैसिलिटी दिया गया है। तो चलिए इसके अंदर जो हम आपको दिखाते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं मरवाड़ी धर्मशाला में और यहाँ जो है सस्ता खाना सस्ता भोजन जो है आपको घर के जैसा मिलेगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ गेट से जब एंट्री करेंगे। ये गेट हो गया और इस गेट से आप एंट्री करेंगे तो ये देखिए आपको लेफ्ट साइड में 10 कदम के बाद जो है यहाँ पे आपको टिकट मिलेगा। देखिए ये है टिकट काउंटर, चलिए इनसे हम बात करते हैं। हेलो महादेव। हेलो महादेव। तो यहाँ मतलब सुने 70 रुपया में भरपेट भोजन मिलता है? 70 रुपया में भरपेट भोजन मिलता है। क्या 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 मिलता है भोजन में? आपको रोटी है, चावल है, दाल है, दो तरह की सब्जी है, एक मीठा है, पापड़ है। मतलब जो भी खाना है, अगर रोटी खाना है तो रोटी खा सकते हैं भरपेट? हाँ बिल्कुल, आप रोटी खाइए, चावल खाइए, भरपेट खाना है आपकी जो इच्छा हो वो खाइए। चलिए मैं आगे दिखाता हूँ, किचन उचन जो है वहाँ खाना खिलाया जाता है, उसका नज़ारा हम आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं यहाँ जो है बहुत से कांवड़िया भक्त जो आए हुए हैं देवघर में, देख सकते हैं ये सभी यहाँ विश्राम कर रहे हैं और ये सभी जो है यहाँ खाना वाना खा के अभी लेटे हुए हैं। देख सकते हैं यहाँ बहुत से कांवड़ भक्त आए हुए हैं, देखिए। और इधर भी दिखाता हूँ, ये देखिए इधर बहुत सारा कांवड़िया भक्त हैं आए हुए, शिव भक्त जो जल चढ़ा के जो है यहाँ बाबा का दर्शन करते हुए यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ जो खाना खा के ये सभी बम लेटे हुए हैं। मैं आपको आगे दिखाता हूँ। और यहाँ जो है आपको चार्जर उर्जर करने का भी सुविधा दिया गया है और ये 3 फ्लोर का है, आप ऊपर में भी रह सकते हैं। तो गेट से सीधे आते हैं तो आपको जो इधर बजरंग बली मिलेगा और ये साइड में जो है आपको लेट्रिन बाथरूम जितने भी शौचालय उचालय जो है इधर सुविधा दिया गया, देख सकते हैं। उधर जो है शौचालय निःशुल्क किया जाता है, इधर चप्पल कल भी है और नल भी गड़ा हुआ है। और देखिए कमर रखने के लिए भीतर में जो ही सुविधा दिया गया, देख सकते हैं। देखिए अभी हम जो है आ चुके हैं भीतर में और भीतर में दिखाता हूँ यहाँ खाना वाना खिलाया जा रहा है, देख सकते हैं। और ये देखिए इधर जो है बैठ के जो भैया चावल दाल और पापड़ भी खा रहे हैं और देख सकते हैं इधर मीठा खीर का भी व्यवस्था किया गया, देख सकते हैं दूध का खीर बना हुआ है। कैसा लगा भैया? नंबर 1 का भोजन है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। सर भी बैठे हुए हैं इधर, देख सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर, मॉर्निंग सर। देख सकते हैं सर भी यहाँ खा रहे हैं बैठ के खाना अपना, और अच्छा खाना मिलता है इसलिए सर यहाँ आके खा रहे हैं।
और देख सकते हैं इधर सभी बैठ के जो अपना भोजन हम सर से जानते हैं कि सर यहाँ खाना कैसा लग रहा है आप खा रहे हैं तो? बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब होटल में खाए होंगे यहाँ खा रहे हैं तो होटल में इसमें क्या फर्क है? खाना अच्छा है बस। खाना अच्छा है तो देख सकते हैं सर बता रहे हैं कि खाना अच्छा है। इस तरह का खाना जो है आपको घर में ही मिलेगा। ये साइड भी देख सकते हैं बैठे हुए हैं सर और मैडम भी बैठी हुई है। ये सभी खाना उना खाएंगे। उधर से जो है अभी मंदिर के ओर से आए ये लोग और वहाँ से आने के बाद जो है यहाँ बैठ के जो है अपना खाना खा रहे हैं। ऐसा खाना जो है आपको मारवाड़ी कांवर संघ में ही मिलेगा इस धर्मशाला में, और इससे अच्छा खाना आपको होटल में नहीं मिलेगा। होटल में क्या है आपको रात दिन एक मिलेगा, और यहाँ जो है आपको 70 रुपया में भर पेट चावल खाएं या रोटी खाएं जो मन है आप वो खा सकते हैं। खीर का व्यवस्था किया गया है और पापड़ तिलौरी वो भी आपको मिलेगा, 2-3 रकम का सब्जी भी मिलता है। चलिए अरे महादेव बताइए यहाँ मतलब कांवड़िया के लिए जो सुविधा दिया गया है यहाँ सब कांवड़िया बहुत सुविधा फ्री रहने का फ्री वहाँ पर सिकंदी फ्री देता है, मिनरल वाटर फ्री देता है, कुमड़ा बाग फ्री देता है, शरबत फ्री देता है, रहने के लिए फ्री देता है। तो देख सकते हैं इधर जो है खीर बना हुआ है और खीर भी जो है कमरिया को खिलाया जाता है। और उधर देखिए अभी चढ़ा हुआ है खाना उना जो अभी बन रहा है। और ये साइड में आपको दिखाता हूँ ये साइड देखिए सब्जी किस ढंग से बनाया जाता है। ये देखिए परवल कटा हुआ है और ये देखिए इधर जो है परवल कट रहा है। और ये देखिए बोरा बरबट्टी भी है, परवल भी है, और इधर देखिए इधर लौकी भी है। मतलब इतने ढंग का जो है सब्जी आपको यहाँ खाने को मिलेगा। ये सभी बम जो है यूपी के जौनपुर जिले से आए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपको मिलेंगे इस तरह के नेक्स्ट वीडियो में। जय महादेव।